एक बढ़िया घुमावदार पहाड़ी सड़क पर हमारे साथ है ट्रायम्फ टाइगर परिवार की सबसे छोटी सदस्य नई टाइगर स्पोर्ट 660। कंपनी की ही नेकेड बाइक ट्राइडेंट 660 पर आधारित टाइगर स्पोर्ट 660 इसी के प्लेटफॉर्म पर बनी है और सबसे छोटी टाइगर है। लेकिन क्या ये टाइगर नाम के साथ इंसाफ करती है? ये कहना गलत नहीं होगा कि टाइगर स्पोर्ट 660 ट्राइडेंट 660 रोडस्टर का एक नया रूप है जो टूरिंग के लिए ज्यादा सटीक है। हम नई टाइगर स्पोर्ट 660 की सवारी करने के लिए 200 किलोमीटर लंबी राइड पर निकले हिमालय की गोद में, देखने के लिए कि बाइक क्या पेश करती है। पिछले साल अप्रैल के महीने में हमने चलाया था ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660 उत्तराखंड देहरादून से लेके ऋषिकेश होते मसूरी धनौल्टी होके वापस देहरादून करीबन 170 किलोमीटर। आज हम उसी रूट पे चला रहे हैं नया टाइगर स्पोर्ट 660। जी हाँ, ये ट्रायम्फ ट्राइडेंट 66 के ऊपर ही आधारित है। सेम इंजन है, मोर ऑर लेस चैसी भी सेम है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। नया बॉडी वर्क है, विंडशील्ड है वेदर प्रोटेक्शन के लिए, और इसका सस्पेंशन ट्रैवल जा रहा है काफ़ी ऊंचा है ट्राइडेंट से। और ये सब बदलाव के बाद इसका वजन ट्राइडेंट से करीबन 17 किलो ज़्यादा है। और आज हम चलाएंगे इसको एक लॉन्ग राइड पे, देखेंगे नया टाइगर स्पोर्ट 660 कैसा है। अगर आपको एक नई प्रीमियम बाइक खरीदना है, अगर आपको एक छोटी बाइक से बड़ा बाइक खरीदना है, तो क्या है ट्रायम्फ टाइगर स्पोर्ट 660 आपके शॉर्टलिस्ट में होना चाहिए। स्प्लिट एलईडी हेडलैम्प्स के साथ टाइगर स्पोर्ट 660 का चेहरा काफी दमदार दिखता है। अपने लंबे सस्पेंशन ट्रैवल, बड़ी विंडशील्ड और हाफ फेयरिंग के साथ टाइगर स्पोर्ट 660 एक अलग सी पहचान बनाती है। ये ट्राइडेंट से लंबी है और इसका कद भी हल्का सा ज्यादा है, तब भी ये रोडस्टर से काफी कुछ साझा करती है। इस पर ट्राइडेंट का ही 660 सीसी इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन लगा है जो 80 bhp और 64 nm पीक टॉर्क बनाता है। निसिन के ब्रेक्स और 17 इंच के पहियों के साथ मिशेलिन रोड 5 टायर्स भी समान हैं। लंबी रेंज देने के लिए पेट्रोल टंकी की क्षमता को बढ़ाकर 17.2 लीटर कर दिया गया है। ये बाइक ट्राइडेंट के मुकाबले 17 किलो भारी भी है, लेकिन बदली हुई स्टीयरिंग ज्योमेट्री, रेक और कम ट्रेल इस पड़े हुए वजन को संभाल लेते हैं। पिछला सब फ्रेम भी अलग है जो स्प्लिट ग्रैब रेल्स और स्टैंडर्ड पैनियर माउंट्स के चलते लंबा हो गया है। टाइगर स्पोर्ट 660 को एक नया इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी मिला है, इसके साथ एक छोटी रंगीन TFT स्क्रीन दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स वही है, यहाँ आपको 2 राइडिंग मोड्स और स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा। अगला सस्पेंशन सेट नहीं हो सकता, लेकिन पीछे प्रीलोड है जिसे आप आसानी से सेट कर सकते हैं। टाइगर स्पोर्ट 660 का ये इंजन पूरी RPM रेंज में काफी दमदार दिखता है। पावर डिलीवरी अच्छी है, एक्सेलरेशन बढ़िया है, फ्लैट टॉक कर्व से बड़ी रेंज मिल जाती है और बाइक हल्की रफ्तार पर भी छठे गियर में आसानी से चल लेती है। इंजन हमेशा एक स्पोर्टी एहसास देता है और छोटी गियरिंग सवारी को और मजेदार बना देती है। हालांकि 5,500 RPM के ऊपर आपको कुछ वाइब्रेशंस जरूर महसूस होंगे। पहाड़ी रास्तों पर तो बाइक आपको और भी ज्यादा पसंद आएगी। इसके बढ़िया संतुलन और हैंडलिंग का आपको यहीं पता चलेगा। ऐसी सड़कें इस बाइक को ज्यादा भाती हैं। हाँ, अगर परफॉर्मेंस और हैंडलिंग की बात करें तो नया टाइगर स्पोर्ट 660 का इंजन ट्राइडेंट 660 से ही लिया गया है, सेम सेट ऑफ ट्यून, कोई बदलाव नहीं है। तो इंजन काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी मज़ेदार है चलाने में। आपको 5,500 RPM से ऊपर हल्का फुल्का वाइब्रेशन ज़रूर महसूस होगी हैंडल बार और फुट पेग में, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको परेशान करे। लेकिन सबसे लाजवाब बात है 17 किलो वजन इसका ज़्यादा है ट्राइडेंट 660 के, लेकिन ये जो रेक जो ज्योमेट्री जो चेंज किया है उसके बदौलत इसका हैंडलिंग इतना लाजवाब है। आपको लेफ्ट राइट एक अगर पहाड़ी सड़कों पर आपको चलाना पसंद है
तो ये बिल्कुल कंट्रोल में रहता है, हैंडलिंग सुपर्ब है, लाइन बहुत मेंटेन करती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस और हैंडलिंग के मामले में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अगर आपका पहला बड़ा बाइक खरीदना आपके पास बजट है 10 लाख के करीब ऑन रोड, तो आपको टाइगर स्पोर्ट्स 60 ज़रूर सोचना चाहिए एक बार। अगर आपके पास बड़ी बाइक है तो परफॉर्मेंस में, टॉप एंड परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी ज़रूर महसूस होगी, लेकिन अगर आपको इतना तेज नहीं जाना है तो इसमें आपको मज़ा ज़रूर आएगा। टाइगर स्पोर्ट 660 ना सिर्फ बढ़िया हैंडलिंग की पेशकश करती है, बल्कि इस मामले में ये सबसे अच्छी मिडिल वेट बाइक्स में से एक है। इसका एहसास और पकड़ शानदार है, और आप नए सवार हो या पुराने, बाइक आपको जरूर लुभाएगी। तो आखिर में सवाल ये आता है कि 8,95,000 रुपए में आपको टाइगर स्पोर्ट 660 लेनी चाहिए नहीं। अगर आपको मिडिल वेट स्पोर्ट टूरिंग बाइक खरीदना हो, आपका पहला बड़ा बाइक हो, तो आपको इस सेगमेंट में मिलेंगे कावासाकी वर्सेस 650 जो इससे सस्ती है, और सुजुकी वी स्ट्रॉम 650 XT जो लगभग सिमिलर प्राइसिंग है, लेकिन सुजुकी है वी ट्विन इंजन और उसमें हालांकि एक 19 इंच फ्रंट व्हील है, और कावासाकी वर्सेस है पैरेलल ट्विन इंजन। इसमें जो ट्रिपल इंजन का जो परफॉर्मेंस मिलेगा, जो साउंड मिलेगा, जो रोमांच मिलेगा आपको, उन दोनों में उतना मज़ा आपको नहीं आएगा मेरे हिसाब से। और ख़ास तौर पे इसका जो हैंडलिंग है, अगर आप एक पहाड़ी सड़क पे चलाओगे इसको, तब इसका आपको हैंडलिंग का मज़ा बिल्कुल पूरा महसूस होगा। तो मेरे हिसाब से 8,95,000 रुपये अभी तक तो इंट्रोडक्टरी प्राइसेस है, आगे जाके ये और बढ़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रीमियम पे करना है, आपको मिडिल वेट स्पोर्ट टूर लेना है, आपको ज़रूर टाइगर स्पोर्ट 660 एक बार टेस्ट राइड ज़रूर करना चाहिए तीनों बाइक में, फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सा आपको लेना है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी मज़ेदार बाइक है, और अगर आप बड़े बाइक में एक्सपीरियंस तो शायद इतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो पैकेज है इसमें लाइट वेट है, दोनों सुजुकी और कावासाकी से ये हल्की है, हैंडलिंग लाजवाब है, कुल मिला के काफ़ी मज़ेदार बाइक है। हाँ, 8,95,000 रुपये की शुरुआती कीमत पर टाइगर स्पोर्ट 660 कुछ महंगी ज़रूर लगती है, लेकिन इसकी फिट और फिनिश शानदार है, और इसमें फीचर्स की भी कोई कमी नहीं। इसकी स्पोर्टी परफॉर्मेंस और रोड व्यवहार को देखते हुए बढ़ी हुई कीमत के बावजूद भी आप इस बाइक को नज़रअंदाज नहीं कर सकते।